हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो है उसमें मुनव्वर फिरदौस नाम करके, जो कि इंडियन है और आलेम के अंदर वो काम करते हैं एज ए ट्रक ड्राइवर और काफी टाइम से थे। तो उनकी जो जिंदगी का एक हिस्सा था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डेट थी वो थी 2023 और 31 दिसंबर, ठीक है। उनकी जिंदगी बदलने वाली थी उस दिन, और उनको भी उनके साथ जो 30 और थे उनके ग्रुप में, जो 30 बंदे और थे उनके ग्रुप में, उन सबकी जिंदगी बदलने वाली थी 2023 31 दिसंबर। ऐसा क्या हुआ होगा कि उनकी जिंदगी बदल गई उस दिन? मुनव्वर फिरदौस जी पेट्रोल पंप पे तेल भरवा रहे थे, उनको एक कॉल आता है यहाँ की लॉटरी से या ड्रॉ से कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इतना इतना पैसा इस तरीके से विन कर लिया आपने। तो एकदम से यहाँ पे भी इतना वही बता दे, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीमार, हार्ट अटैक कुछ हो सकता है। तो उन्होंने एकदम से नहीं बताया कि भाई इतना इतना प्राइस, उन्होंने बोला कि जो आपने लॉटरी परचेज किया था वो आप जीत गए। तो मुनव्वर फिरदौस को लगा, उन्होंने मतलब सोचा ही नहीं कि हम भी जीत सकते हैं क्या। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, बोला कि नहीं आप विनर हो इस साल के जो लास्ट, क्योंकि वो लकी ड्रॉ भी इतना बड़ा था, क्योंकि लास्ट का साल का लास्ट डे था। तो साल के लास्ट डे पे इस बार तो 200 मिलियन था 2024 में, तो इस बार कोई नहीं जीत पाया था। पिछली दफा वो विनर थे पिछली दफा। तो वो बोले कि भाई मेरे को विश्वास नहीं, बोला कि आप टाइम ले लो। उन्होंने बोला थोड़ा टाइम दो, मेरा साइड में आया ट्रक वाले, तो साइड में खड़ा किया, फिर वो बात की, टोकन वोकन बताया, तो फिर उनको यकीन नहीं हुआ। जो लॉटरी लगी थी आपको पता है कितनी लगी थी? 20 मिलियन उनको लॉटरी लगी थी, वो 20 मिलियन दरम। बहुत बड़ी रकम बताना, बहुत बड़ी रकम बता रहा हूँ मैं आपको, 20 मिलियन यानी इंडिया के ऑलमोस्ट 44 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी उस दिन। मुनव्वर फिरदौस जी और उनके साथियों की जिंदगी का आखिरी दिन था, जिसमें गरीबी का आखिरी दिन, क्योंकि बड़ी रकम है, 30 बंदों में डिवाइड करते हो तो 1 करोड़ प्लस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इसलिए लगाई थी कि जो लॉटरी की जो रकम है या जो पैसे है वो थोड़े ज्यादा थे, तो इन 30 बंदों ने मिल के लगाई, 31 बंदों ने, एक मुनव्वर जी हो गए, 30 उनके ग्रुप थे, उन्होंने मिल के लगाई इसके अंदर। तो फिर उनको फोन वोन किया, फिर वो आए, जो भी उनका पैसा कलेक्ट किया, फिर उनको पूछा कि आपका एक्सपीरियंस आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि पहले तो मैं अपना जो भी कर्जा है वो दूंगा, जिनका भी है। काफी टाइम से वो इधर ही ट्रक ड्राइवर का जॉब कर रहे थे, और फिर मैं अपना घर बनाऊंगा अपना, और बाकी जो भी मेरे वो अपना काम में लूंगा। तो इस तरीके से दुबई के अंदर रातों रात जिंदगी बदल जाती है, रातों रात लोग रोड से उठकर आसमानों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पहुंच जाते हैं, दुबई का यही सीन है। तो आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा, और आप मुनव्वर फिरदौस जी की जगह होते तो आप क्या करते, इसके बारे में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी आपको पता है हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते रहते, दुबई की वैकेंसियों की, जॉब्स की, या कुछ फ्रॉड पे, सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। थैंक यू सो मच।